आज हम लोग बात करेंगे ध्रुपद और धमार के बारे में। ध्रुपद क्या होता है? ध्रुपद जो है वो हमारे 15वीं शताब्दी में राजा मान सिंह तोमर ने ध्रुपद का आविष्कार किया था। ध्रुपद जो है वो हमारे क्या है कि उसमें सिंगार रस की प्रधानता होती है। जैसे हम लोग ने तालों में बात किया था कि जो खुले बोल की ताल है इसमें हम लोग ध्रुपद गाते हैं, इसी तरीके से इसमें भी जैसे हो गई ताल तीव्रा हो गई, ब्रह्मा ताल हो गई, रुद्र ताल हो गई, तो इसमें हम लोग ध्रुपद गाई जाती है। इन तालों पे हम लोग बजाते हैं और ध्रुपद को गाते हैं। ध्रुपद हमेशा जो वोकल वाले बच्चे होते हैं उनके लिए होता है, वो लोग गाते हैं उसको, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ध्रुपद हमेशा हिंदी में आपको मिलेगी, उर्दू में मिलेगी, ब्रज भाषा में मिलेगा। तो आज हम लोग बात देखते हैं ध्रुपद के बारे में क्या लिखा है। ध्रुपद का आविष्कार 15 शताब्दी के राजा मान सिंह तोमर ने किया था, ठीक। ध्रुपद के गीत हिंदी, उर्दू, ब्रज भाषा में मिलते हैं। ध्रुपद के 4 भाग होते हैं, कौन से? स्थाई, अंतरा, संचारी और अभो। ध्रुपद हमेशा अधिकतर शूल ताल, रुद्र ताल, ब्रह्मा ताल, तीव्र ताल में गाई जाती है। हमने आपको बताया तो शूल ताल भी आपने सीखी है, शूल ताल बताया था खुले बोल की है, आप लोगों ने तीव्र ताल सीखी है वो भी खुले बोल की है, ठीक है। तो क्या है कि ये हमारे क्या है, शूल ताल, रुद्र ताल, ब्रह्मा ताल और तीव्र ताल हमारे क्या है, ये ध्रुपद में गाई जाती हैं। इनमें तालों का प्रयोग नहीं होता है। इसमें क्या होता है ना कि लयकारियां दिखाते हैं, दुगुन, चौगुन और बोल तान का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ध्रुपद को हम लोग कलावंत भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्रुपद को हम लोग क्या कहते हैं, कलावंत कहते हैं, ठीक है। फिर ध्रुपद गायकों के 4 वाणियां मानी गई, कौन सी? तानसेन, इनको हम लिखना भूल गए, ये गोबर खानबिन को बोलते हैं, ठीक है। नंबर 2 ब्रजचंद्र, डागुर खा डागुर गांव। तीसरा है राजा सम्मुखन सिंह, खंडहार। तीसरा श्रीचंद्र मतलब नोहार, कि ये सब निवासी हैं, ठीक है। ये हमारा हुआ ध्रुपद। अब हम बात करते हैं धमार के बारे में। अष्ट छापी कीर्तन कारों की विद्यमानता में जब ध्रुपद गायन शैली चरम सीमा पर थी तब धमार ताल का प्रचलन हुआ था। धमार ताल में हम लोग क्या करते हैं, राधा कृष्ण का वर्णन करते हैं, ठीक है। उसमें भी श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। हम लोग धमार ताल जो है वो हमेशा धमार ताल में ही, धमार ताल भी एक है धमार ताल में ही गाते हैं। धमार जो धमार है उसको हम लोग धमार ताल में ही गाते हैं, ठीक है। इसमें खटका, मुरकी व तानों का प्रयोग नहीं होता है। इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है और इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। संस्कृत में इसे हम लोग क्या कहते हैं, भिन्ना। और ध्रुपद को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, शुद्धा। यहाँ लिख दे रहे हैं, संस्कृत में इसे क्या कहते हैं, संस्कृत में शुद्धा। ध्रुपद को कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, ध्रुपद को हम लोग क्या कहते हैं, शुद्धा, और धमार को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्ना, ठीक है। ये चीज तो ये हमारा आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, ध्रुपद और धमार के बारे में। ओके, चल, थैंक यू।